तो भाई मेरे को एक बच्चा मिल गया अभी, तो इसको राइड कराता हूँ मैं भी। भाई रसूलिया में राइड करने का एक अलग ही मज़ा है शाम में, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है और लोग। जो लेफ्ट वाला इंडिकेटर है ना मिरर वाला, वो बंद हो चुका है। है व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम रवि परते और मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है मेरी राइड, नाइट राइड। तो भाई मैं जा रहा हूँ बुधनी के पास अपने अभिषेक भाई से मिलने, तो अपनी बाइक लेके आता हूँ आज मैं, क्योंकि दो तीन दिन हो गए अभिषेक भाई, कल निकलना है कहीं बाहर। और मेरे भाई गोप्रो की बैटरी पता है फूल गई, एकदम बहुत ख़राब हो गई, डर लग रहा है कि भाई आग बाग ना पकड़ ले, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना। दिन में भी काफ़ी शूट किया मैंने आज, तो लगभग 46-45 डिग्री के टेम्परेचर में शूट किया था भाई मैंने। तो चलते गाइस, वो मेरा वेट कर रहे हैं दोनों भाई, अभी हेमंत भाई और अभिषेक भाई दोनों मेरा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं जस्ट आगे। भाई रसूलिया में राइड करने का एक अलग ही मज़ा है शाम में, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है और लोग ऐसे देखते हैं ना भाई बाइक आइक को, तो क्या ही रिएक्शन मिलते हैं भाई साहब ओपी। एक ना एक दिन हम इससे बनाएंगे रिएक्शन के लिए, बट क्या है ना थोड़ा एग्जॉस्ट वगैरह आवाज़ अगर होती ना थोड़ी सी भी, तो पब्लिक और ज़्यादा मुड़ मुड़ के देखती, बाकी अभी भी देखती है भाई। तो अभी थोड़ा सा मैं स्लोअर ही चल रहा हूँ कि जल्दी जाके करने क्या, क्योंकि यहाँ पे कम धूल है, बस वहाँ पे जाऊँगा ना ट्राइडेंट के सामने। तो ट्राइडेंट के सामने जस्ट मिल रहे हैं हमके दोनों भाई शॉप पे, एक नाइट में बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून एकदम। अभी जस्ट नहा के आया हूँ मैं, दो बार नहाना पड़ रहा भाई अभी। तो चलो गाइस लेट्स गो। A few inches later. तो भाई मेरे को एक बच्चा मिल गया अभी, तो इसको राइड कराता हूँ मैं अभी। अरे चल 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 चल, क्या नाम है भाई? अनमोल। YouTube चलाते हो? YouTube देखते हो? YouTube? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रवि परते है फोन अभी। अरे यार तू भूल जाएगा यार। तो गाइस मैंने एक बच्चे को बिठा दिया भाई लिफ्ट के लिए, और नाम लेते नहीं बन रहा उससे भाई, रवि परते बोल रहा हूँ, तो रवि पहरे थे ऐसा कुछ बोल रहा है भाई। चल कोई ना, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ जाना, ये वाले कि उधर? कहाँ जाना? अच्छा सीधे जाना। चलो गाइस तो भैया को छोड़ते हैं अपन रास्ते में कहीं। मैं डोंगरवाड़ा भी बहुत गया यार वीडियो बनाने, उधर घाट पे। हाँ ऑटो माटो चलते हैं क्या ये रूट पे? वाह यार, तो इधर कहाँ से आ रहा अभी? कौन से शोरूम पे? अरे क्या बात है यार, कहाँ पे है ये? ये अपने वो वहाँ अंदर हीरो शोरूम के आगे। अरे वाह यार, काम करते हो वहाँ? स्कूल और नहीं नहीं स्कूल जाते कि नहीं? अरे यार पढ़ाई भी करो यार साथ में। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन छोड़ना नहीं पढ़ाई है ना। वाह यार तुम तो ट्रैक्टर चलाते, हम जे ट्रैक्टर चलाते हैं यार। कैसा है जे ट्रैक्टर? अरे इंस्टाग्राम पे भी है ना। चलो तुम्हें यहीं ड्रॉप कर देते हैं भाई। हाँ चलो भाई। तो भाई बच्चे को छोड़ दिया हमने और चलते हैं अभी सीधे बुधनी। तो अभी वहीं मिलता हूँ गाइस, अभी अंधेरे में क्या ही देखोगे। और मेरी गोप्रो की बैटरी भाई एकदम फूल के बाटी हो गई, रोटी से बाटी बन गई है भाई। तो डर लग रहा आग ना लग जाए, मुंह पे आग लग जाएगी तो भाई कैमरे का भी नुकसान। गाइस मैं आ गया हूँ ट्राइडेंट के जस्ट सामने, और शॉप है वहाँ पे अमृतुल के जस्ट बाजू में। उस जगह का नाम तो मुझे भी प्रॉपर पता नहीं है, बाकी हमें देखो अभी दोनों हमारे राइडर बॉयज मिल जाएंगे। तो ये खड़ी है उनकी बाइक्स, ये बॉय। तो ये देखो ये बैठे तीन मित्र। तो गाइस मैं मिलता हूँ जस्ट आपको कैमरे के बाहर। A few moments later. तो भाई meet the guys. ये देखो सब अपने बाइकर्स हैं, और दो कहाँ गए? जे आ गए दो। तो ये इनका आने का वेट कर रहा था, इसलिए मैं अभी कैमरा ऑन नहीं किया था गाइस। और ये भाई हमेशा पीछे, भाई की दूध डेरी है, फ्री में दूध लेने आ जा रहा, बुद्धि में मेरा नाम ले दे रहा। तो ऋतिक भाई, ये भी ऋतिक भाई है और ये भी ऋतिक भाई है। तो भाई अभी देखो क्या क्या मंगाया, कौन कौन है? और मधुमक्खियाँ थोड़ी बहुत, मधुमक्खियाँ। तो देखो गाइस ये लस्सी अपने लिए आई है, और कितनी चाय है भाई? तीन चार चाय है, और दो चाय और आने वाली है। तो गाइस जाने का समय हो चुका है, और अपने कुणाल भाई को छोड़ के भाग गए सब लोग, ऋतिक भाई और अपने अभिषेक भाई को बाइक दे रहे हैं पर वापस। तो भाई बुरा लग रहा है बाइक देते हुए। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो अपनी आज R15 बेबी बीस्ट को हम वापस घर लेके जा रहे हैं, तो इसको भी राइड करेंगे। उसको तो बहुत मज़ा आया, उससे जितना कंटेंट निकालना था ना मैंने सारा कंटेंट निकाल लिया। बाकी मैं अभी बाद में कभी जाऊंगा ना ऑफ रोड, फिर से लेके जाऊंगा। क्या बोल रहे भाई? नेक्स्ट वीडियो भाई अभी
आएगी या आने वाली है, कब शूट पे जाना क्या? अपकमिंग वो आएगी गुरुवार को भाई, गुरुवार का हाँ, थर्सडे को आएगी भाई पूरी वीडियो। तो भाई इनको अभी बाय बाय करते हैं, अभी लगभग हो गया समय 10:45 के समथिंग, अभी टाइम हो गया और मुझे लगेगा लगभग 10 मिनट के समथिंग, तो घर जाके मिलता हूँ मैं, मतलब वहीं जाके ख़त्म करेंगे हम ब्लॉग। इसको घर मत छोड़ो, इसको पैदल जाने दो, तो मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर में बाइक पे। भाई सब चलते हैं घर, चलो बाय भाई, मिलते हैं जल्दी, है ना, आओ। तो भाई बाय कर दिया भाई लोगों को और अभी हम चल रहे हैं अपनी R15 को घर लेकर। तो भाई बहुत ही अटपटी लग रही है भाई बाइक, बहुत छोटी सी लग रही है मुझे मेरी बाइक भाई, ऐसा लग रहा है कि साइकिल वाइकिल चला रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से वही राइड कर रहा था ना मैं हिमालयन, तो उसके कारण से बहुत ही छोटी लग रही है यार। तो भाई 11 बज गए हैं अभी और मैं इनके पास आया था लगभग 8 बजे। तो भाई बढ़िया बैठे बैठे मैंने लस्सी वस्सी पी, उन्होंने चाय वगैरह पी, और 2-3 दिन से तो भाई मैं जैसे बता रहा हूँ ना हिमालयन से शूट कर रहा हूँ अभी, तो बढ़िया लग रहा था भाई चलाने में। ये भी अपनी पॉकेट रॉकेट लग रही है अब एकदम। तो भाई इस रात में हम नर्मदा जी को प्रणाम कर लेते हैं, रात में बहुत कम आया हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने तो माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए हम निकलते हैं घर की ओर। और भाई बहुत ही अंडर पावर्ड लग रही है बाइक पता है, क्योंकि भाई सीधे मैंने 40 BHP से 18 BHP में स्विच किया, डबल से भी ज़्यादा है वो, 1-2 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है मतलब। तो लेट्स गो गाइस, और अभी तो कुछ है नहीं बताने को जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो चलते हैं घर की ओर। गाइस मैं आ गया हूँ जस्ट घर के सामने और ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो लॉक ऑफ खोल के अंदर करते हैं अपनी बेबी बीस्ट को। तो अभी भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ एक चीज़ कि मेरा जो लेफ्ट वाला इंडिकेटर है ना मिरर वाला, वो बंद हो चुका है, तो यहाँ से मेरे को लग रहा कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अभी उसको कल अपन खोल कर देख लेंगे, बट कोई ना करते हैं उसको कवर। और 2-3 दिन के बाद अपनी बेबी बीस्ट घर पे आई है, देखो गाइस कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ये अभिषेक भाई के पास थी और अब हमने उनकी रॉयल इनफील्ड घर देकर आ गए हैं। तो आई थिंक मुझे ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहिए, तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी प्यार बरसाते रहे, ऐसी सपोर्ट करें मुझे। जल्दी से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय बाय, सायोनारा।